गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। रोटरी क्लब के द्वारा गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय में स्थापित किए अत्याधुनिक कलर ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड एवं F30 एक्सरे मशीन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। कहा, रोटरी क्लब के कार्यों से अन्य संगठन भी ले प्रेरणा, आए आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक पर आधारित एक लघु वृत्त चित्र का लोकार्पण। ब्लड बैंक के इतिहास में जुड़ा नया अध्याय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गीडा के कालेसर स्थित मोक्ष धाम पर विशाल शिव प्रतिमा का किया वर्चुअल लोकार्पण। कंपनी को व्यक्त किया आभार। मंगलवार को 4 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद शुक्रवार को लखनऊ हुए रवाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने 16 जनवरी को होने वाले वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा। कहा, एक व्यक्ति को एक ही कंपनी का 2 बार लगेगा टीका, बरते सावधानी। गघा थाना क्षेत्र में 11 जनवरी को हुए भट्टा वाले की हत्या का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। एसपी साउथ ने कहा, जमीन के खरीद फरोख्त में 10 लाख रुपए के लेन देन में हुई थी हत्या। एक महिला सहित 6 अभियुक्त गिरफ्तार। भारी संख्या में असलहा और कारतूस बरामद। पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने जारी किया परिसीमन का अंतरिम प्रकाशन। सीडीओ ने कहा, अभी शासन से नहीं मिला है आरक्षण का कोई गाइडलाइन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक। निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के दिए निर्देश। कहा, वृक्षारोपण का सत्यापन रिपोर्ट पेश नहीं करने वाले अधिकारियों का रोके वेतन। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास भवन में मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस की तैयारियों संबंधित बैठक। साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के दिए निर्देश। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,295। अब तक 353 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 180 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। और मकर संक्रांति के दूसरे दिन भी गोरखनाथ बाबा के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में लगे मेले का खूब उठाया आनंद। क्राकरी सजावट और श्रृंगार की दुकानों पर रही महिलाओं की भीड़, तो बच्चों के लिए झूले, मौत का कुआं और जादू दिखाने वाले रहे आकर्षण का केंद्र।